तो आज मैं आ गई हूँ अपने किचन में ये मुरब्बा लेकर। तो चलिए देखते हैं ये किस चीज का मुरब्बा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक बड़ा चम्मच घी का ले लिया है और हम वेट कर रहे हैं ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसे घी में ही बनाइएगा तो इसका टेस्ट जो है एक अलग सा फ्लेवर देता है ये, अगर आप घी में बनाएंगे तो। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैंने ये जो एप्पल है ये एकदम छोटे छोटे काट लिए हैं। जितने छोटे पीसेस आपसे हो सके आप उतना छोटे पीसेस करिए, या तो अगर पॉसिबल हो तो आप किसी चॉपर वगैरह का यूज कर लीजिए इसे छोटे पीसेस काटने में, या आप इसे घिस कर ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपका टाइम बचेगा और ये चीज और भी जल्दी पकेगी और अच्छी पकेगी। तो मैंने इस तरीके से ये बारीक काट लिया है। और दूसरी तरफ हमारा ये जो घी है ये भी देखिए गर्म हो चुका है, तो अब हम इसको डाल देंगे इसमें। अब हम इसे चलाकर इसे अच्छे से पका लेंगे। आपको इसे सॉफ्ट करना है, जैसा आप देख रहे हैं अभी ये कड़ा है, लेकिन जब हम इसे थोड़ी देर अच्छे से पका लेंगे तो देखेंगे कि आप ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमें इसे सॉफ्ट करना है। अगर आप चाहें तो थोड़ी देर ढक के भी इसे पका सकते हैं, या तो आप चाहें तो मेरी तरह इसी तरीके से धीमे आंच पर फ्लेम पे आप इसे पका सकते हैं। देख रहे हैं ये पूरा सॉफ्ट हो गया है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि इसकी क्वांटिटी कम हो गई है। अब हम इसी स्टेज पर चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए, बट चीनी की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ये इलायची पाउडर। अब इन सारी इंग्रेडिएंट को मिलाकर हम अच्छे से पका देंगे। इसे आप धीमे आंच पर ही पकाइएगा, और जब तक ये पूरा जो चीनी है ये पूरा अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, बिल्कुल चाशनी की तरह आपको ना दिखने लगे, तब तक आप इसे धीमे आंच पर पकाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप इसे एक हफ्ते तक आराम से यूज कर सकते हैं, खराब नहीं होगा। तो ये एक आसान सी रेसिपी थी एप्पल की, जो आप कभी भी बना सकते हैं। जो टाइम लगता है एप्पल पकाने में ही टाइम लगता है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आपको ये काम जल्दी से करना है आप जितना बारीक एप्पल काट सकते हैं उतना बारीक करिए। इसमें जो है घी ऐड करने की वजह से ये आपका खराब नहीं होगा। अगर आपने बड़े बड़े एप्पल के पीसेस लिए हैं तो उस केस में आप इस तरीके से आता है जो आप पाव भाजी वगैरह बनाते होंगे मैश करने के लिए यूज करते हैं, तो आप इसका यूज करके एप्पल के जो पीसेस हैं उन्हें मैश कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे।